रचयिताओं को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और परमात्मा के एक स्तोत्र का, जिसका नाम है योगादेश स्तोत्र, उसका जप करने के लिए आदेश दिया। उसके पश्चात वहाँ से जब जाने लगे तो रचयिताओं ने उनकी पूजा पोथी करी और फिर वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। उसके बाद इस स्तोत्र के महिमा का जो फल है ये हमको बताया गया और इसके साथ 25वां अध्याय चतुर्थ स्कंद का पूरा हुआ। अब आज हम लोग एक नई कथा का प्रारंभ करते हैं और उसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। ये पुरंजन उपाख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है भागवत का और ये हमारे सबके जीवन की कहानी है। पहले हम इसका जो गूढ़ अर्थ है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ हम लोग इसके कहानी को कहानी के जैसे ही पढ़ लेंगे। तो इस कहानी में जो जो प्रसंग आएंगे, जो लोग आएंगे, सबके तरफ ध्यान रखना ताकि आगे जा कर के इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो समझ में आएगा। 25वां अध्याय प्रारंभ होता है, मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे कि जब भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दे दिया, इति संदिश्य भगवान बारिषद अभिपूजिता पश्यताम राजपुत्राणाम तत्र एव अंतर्दधे हरहा। हरहा भगवान शिव जी उनको सब उपदेश करने के बाद उनके द्वारा पूजा स्वीकार करके वहीं के वहीं वो अंतर्धान हो गए। कहीं जाने आने का चक्कर, बाकी कोई चक्कर ही नहीं, सीधे वहाँ अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात इन राजपुत्रों ने जल पर रह करके, पानी में रह करके 1000 साल तक बड़ी तपस्या करी। और जब ये बच्चे 1000 साल तक तपस्या करने चले गए तो उन दिनों में यह जो राजा प्राचीन बरही था उसके दिमाग में कर्मकांड बड़ा ज़बरदस्त घुस गया और उसने सोचा कुछ करना चाहिए। कल हमने देखा था ना, जब तक व्यक्ति के दिमाग में कुछ करना चाहिए ये बात बनी रहती है तब तक के उस व्यक्ति का जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व है वो समाप्त नहीं हुआ। तो यह जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व है यही हमको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रवृत्त करता है। जहाँ कमी है वहीं अनेक प्रकार के कर्मों की गर्मी है। तो प्राचीन भरी के दिमाग में ये बात घुस गई कि कुछ ना कुछ करना चाहिए और इसलिए उसने बड़े अपने आप को कर्मकांड में व्यस्त रखा। अनेक प्रकार के यज्ञ करना, अनेक प्रकार के कार्य करना, अनेक प्रकार के कार्यकलाप बढ़ाना, इस प्रकार से वो अपने आप को इसी में रखता था। तो उस समय नारदहा अध्यात्म तत्वज्ञहा कृपालु प्रत्यबोध है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में नारद जी आ गए। और नारद जी कौन है? अध्यात्म तत्वज्ञहा, जो तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं और केवल जानते ही ऐसी बात नहीं बल्कि कृपालु है, दूसरों पर कृपा करना जो इनका जिनका स्वभाव है, ऐसे नारद जी उनसे मिले और उनको प्रत्यबोधत उनको उन्होंने उपदेश किया। क्या उपदेश किया? और ये उपदेश हम सबको समझने जैसा है। उन्होंने कहा, श्रेयस्त्वम कतमद्राजन कर्मणात्मना ही हसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और कल्याण किसको कहते हैं? अब देखो, हम कहते हैं ना कि भाई हमको आशीर्वाद करो, माने क्या? तो अपने जीवन का कल्याण करने के दो अर्थ हैं। ये विषय पंचदशी में भी आता है जहाँ नारद जी बता रहे हैं। एक तो है दुख हानि और सुख प्राप्ति, जीव के 7 आवरण बताए गए हैं और
पहला है अज्ञान, फिर अस्मिता, उसके बाद परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख हानि और सुख प्राप्ति, निरंकुशा तृप्ति। तो यहाँ ये दुख हानि और सुख प्राप्ति हमारे सबके जीवन के जितने भी कार्यकलाप प्रयत्न है केवल इन दो चीज़ों को लेकर के होते हैं। हमारे जीवन से दुख का नाश हो जाए और हमारे जीवन में निरंकुशा अखंड तृप्ति बनी रहे, इसी में हमारे सबका कल्याण है। और ये जो कल्याण है अपना, ये कल्याण कर्मों के द्वारा प्राप्त तो होने वाला नहीं है। सर्वारम्भा ही दोषेण आवृता धूमेन अग्नि इव। कोई भी आप कर्म कांड में लगो, किसी भी प्रकार के उपद्व्याप शुरू कर दो, इसमें आपको गारंटी से दुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो, जिस व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ भर जाती है ना, उसी को लेकर के उसका पूरा जीवन चलता है। जैसे किसी के दिमाग में, एक बार हमको याद है, भगवान को तो अपना सिनेमा जारी रखना है ना, इसीलिए हर एक को वो चाबी भर देते। हमको हमेशा वही चित्र याद आता है, जो तो चिंपांजी बंदर होता है, उसका जो खिलौना बनाते हैं उसके पीछे में एक चाबी भर देते। चाबी भरने के बाद उसको रख दो, और जब वो कूद करके ऐसा तालियां बजाता है तो देखने वालों को बड़ा मज़ा आता है। वैसे ही भगवान करते हैं, हम सबको पीछे से चाबी भर देते हैं, और जब हम अपने कर्म कांड में दुनिया में लग जाते हैं तो चलो अच्छा सिनेमा चल रहा है। तो जब जब हम ये सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है, ये करना है, उसी में फंसे रहेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि किसी चीज़ में हम ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक दो उदाहरण आपको दूँ। एक बार वह अहमदाबाद में था और घर से सुबह लेक्चर के लिए वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा था, और सुबह सुबह एक गुजराती, गुजरात में गुजराती होंगे और कौन होंगे, एक गुजराती था, और उसके हाथ में ये जो कड़वा नीम होता है मार्गो, उसके पत्ते और डंठल मुँह में दतून करे, सुबह सुबह कड़वा मुँह में लेके जा रहे। तो एक सज्जन ने मुझे पूछा जो हमारे साथ है, स्वामी जी ये आदमी सुबह सुबह कड़वा क्यों खाता है? हमने कहा इतना ही नहीं, आप यदि उसके पास जाकर के बात करो तो वो आपको बताएगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उस नीम से मिल सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में वो जो कड़वा नीम इतना बैठ गया है, पर हर एक को वही बताएगा क्योंकि उसका महात्म्य जागृत हो गया है। उसी प्रकार से हमारे सबके मन में कर्म के प्रति जब महात्म्य जागृत हो जाता है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, इसी में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है। और ये कर्म को लेकर के हमारे अपने दो तीन विचार हैं, हम आपको बताएंगे। एक तो बात ये है कि कर्म हम इसलिए करते हैं कि चुप नहीं बैठ सकते, दूसरा कोई कारण नहीं कर्म करने का। दूसरी बात यह है, कर्म करने में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा संगठित हो जाता है, और इसीलिए आई कैन डू समथिंग, आई कैन अचीव समथिंग। जब तक ये कुछ प्राप्तव्य है जगत में, तब तक के कर्म का महात्म्य है। और तीसरी बात, बड़ी महत्व की बात, हम अपने आप से दूर भागते हैं। शांत एक जगह बैठो बिना कुछ किए तो अपने ही मन का सामना करना पड़ता है, और अपने मन का सामना करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। दुनिया भर का तूफान सामने आ जाता है और ऐसे लगता है कि हाउ टू फेस दैट, और फिर हम अपने से दूर भागने के लिए अपने आप को कर्म में लगाते हैं। इसीलिए ये कर्म अज्ञान का क्षेत्र है, और अज्ञान के क्षेत्र में रह करके और सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए नारद जी बताते हैं उनको कि देखो महाराज, कल्याण कर्म के चक्कर में फंसने से नहीं होता। उसके बाद राजा ने कहा कि न जानामि महाभाग परम कर्मात् विपद्धि ही ब्रूहि मे विपलम ज्ञानम ये न मुच्चेय कर्म भी। हे भगवान, मैं तो ये कर्म को छोड़ करके दूसरा कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग जो है कर्म में लगा हुआ है। इसीलिए जिन लोगों को कुछ ना कुछ करना है, करना है, करना है, ये लगा रहता है,
वो व्यक्ति स्वयं दुखी दूसरे को भी दुखी कर देता है। इसीलिए मुझे वह शुद्ध ज्ञान बताइए जिसके द्वारा मैं अपना भला कर सकूं, क्योंकि मुझे ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और आगे कहते हैं प्राचीन भारतीय ऋषि राजा, गृहेशु कूटधर्मेशु पुत्रदान धनार्थधी न परम बिंद के मूढ़ा भ्राम्यन संसार वर्तमसु। जो संसारी लोग अपना गृहस्थाश्रम, अपने बच्चे, अपना पैसा, इसी को सब कुछ समझ लेते हैं, वो इस संसार के जंगल में हमेशा भटकते रहते हैं और उसी प्रकार से मैं भी भटक रहा हूँ। इसीलिए हमारे कल्याण का जो मार्ग है वो हमको पता नहीं, तो हमको जरूर बताइए। इसके ऊपर में नारद जी अब बताते हैं। नारद उवाच, कहते हैं, भो भो प्रजापते राजन, पशुन पश्यत्वयाध्वरे संज्ञा पिता जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः। भागवत महापुराण भगवान विष्णु को लेकर के प्रधानता से प्रस्तुत किया गया है, और ये भागवत धर्म में मांस मच्छी खाना और हिंसा करना इसका नितांत विरोध है। और इसलिए आप देखेंगे इस भागवत महापुराण में जो कर्म में, यज्ञ में पशु बलि इत्यादि की जो प्रथा थी उसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया गया है। यहाँ एक उदाहरण है, नारद जी कहते हैं कि हे राजा देखो, भो हो प्रजापते राजन पश्य, देखो क्या देखो, पशुन त्वया अध्वरे, तुमने अपने अध्वर माने अपना यज्ञ, तो तुमने अपने यज्ञ में अनेक पशुओं की जो निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी, अब उन पशुओं को देखो तुम्हारे चारों तरफ वो मंडरा रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये मर कर के ऊपर आएगा, फिर इसका बदला चुकाएगा। इसलिए ऐसे संप्रतिक्षण से तुम्हारी राह देख रहे हैं कि स्मरण तो वैवशम तव, तुमने जो उनको कष्ट किया दिया था विवशता में ला करके, तो सभी की सभी चीज़ें उनको याद है और अब वो सोच रहे कि जब ये आएगा तो उसको हम अपने लोहे के सींगों से मारेंगे, तोड़ेंगे, कष्ट देंगे, और इसीलिए अब तुम तैयार हो जाओ, मरने के बाद तुमको परेशान करने वाले। जब वो राजा घबरा गया तो उस समय देखा नारद जी ने, अब ये घबराएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो बोले देखो मैं तुमको एक कहानी सुनाता, और फिर उन्होंने एक कहानी बताना शुरू कर दिया। और ये कहानी है राजा पुरंजन का, अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासम अमुम पुरातनम पुरंजनस्य चरितम्। उसका नाम था पुरंजन, बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात माने अननोन, अविज्ञात उसका मित्र का नाम था। और ये अविज्ञात जो मित्र था वो क्या करता था, कैसे करता था, कहाँ रहता था, कब आता था, कब जाता था, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था, ऐसा उसका मित्र था। और सहा ये जो राजा था, अन्वेषमाणः चरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्दन् अभूत् स विमना इव। और उसने, राजा ने सोचा चलो आज इस पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे और ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहाँ अच्छी तरह से रह सके। जैसे कई लोग जब पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान से निकल करके हिंदुस्तान में आ गए, आने के बाद विशेष करके पंजाबी, हिंदी, सिंधी लोग, फिर उन्होंने शुरू सोचना शुरू कर दिया अब कहाँ जाके सेटल हो गए। तो कोई जा करके चेन्नई में सेटल हो गया, तो
तो वहाँ की तमिल भाषा बोलना शुरू कर दिए। कोई जा कर के आंध्र में सेटल हो गए तो वहाँ की तेलुगु भाषा शुरू कर दी। कोई आपके बम्बई में आकर के सेटल हो गए तो उनकी मराठी भाषा हो गई। ऐसे उन्होंने पहले ढूंढा कहाँ जाके सेटल हो जाए ताकि शांति मिले। उसी प्रकार से यह जो पुरंजन राजा था ये भी अपने रहने के लिए योग्य स्थान की खोज में पूरे पृथ्वी पर बहुत भटका, लेकिन उसको कुछ योग्य स्थान नहीं मिला तो बड़ा उदास जैसा हो गया। और न साधु मैंने ताहा सर्वा भूतले यावती ही पुरा कामान काम मानो असौ तस्य तस्य उपपत्ते। उसको कोई भी स्थान पसंद क्यों नहीं आया? इसलिए कि उसके मन में अनेक प्रकार के भोगों की इच्छा थी और सभी प्रकार के भोग एक ही स्थान में मिलने चाहिए, ये उसका दुराग्रह था। और इसीलिए उसको किसी भी प्रकार का स्थान, कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी नगर पसंद नहीं आता था। कहीं चले जाओ तो उसमें ये नहीं है, दूसरे जगह चले जाता है तो उसमें वो नहीं है। इस प्रकार से उसको जो चाहिए कहीं भी नहीं मिला। और इसके बाद भटकता भटकता स एकदा हिमवतो दक्षिणेशु अथ सानुषु ददर्श नवद्भिरद्वार भी पुरम लक्षित लक्षणाम। एक बार भटकते हुए वो हिमालय के दक्षिण भाग में अनेक शिखरों से मंडित जो कर्म भूमि है भारतवर्ष भारतखंड, उस भारतखंड में उसने 9 दरवाजों का एक नगर देखा। 9 दरवाजों का नगर देखा। अच्छा महाराज, और वो नगर कैसा था? अनेक अच्छे लक्षणों से सुलक्षणों के परिपूर्ण था। उसमें क्या क्या थे? तो कहते प्राकारो पव अट्टाल परिखैहि अक्षतोरणैहि स्वर्ण रौप्यायसे श्रृंगैहि संकुलाम सर्वतो गृहैहि। अब उस नगर का वर्णन शुरू कर देते हैं कि चारों तरफ से बहुत बड़े परकोट थे ताकि प्रोटेक्शन ठीक से रहे, बगीचे थे, बड़े बड़े स्थान थे, झरोखे थे और अनेक प्रकार से वो सुशोभित था, चांदी सोना इत्यादि प्रकार से। और वहाँ की जो फ्लोरिंग थी बड़ी सुप्रीम थी। और वहाँ उस नगरी में जितने भोग कल्पना करो सभी के सभी भोग उपलब्ध होते थे। और उस नगर में चारों तरफ देखे तो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ थी, खेलने के स्थान, घूमने के स्थान, विश्राम करने के स्थान और बड़े बड़े चौराहे, अच्छे रास्ते और अनेक प्रकार के टावर्स जिसमें अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर चीज़ें लटकी हुई थी। और उसी नगर के बाहर में एक सुंदर बगीचा भी था और उस बगीचे में अनेक प्रकार के सरोवर थे, उसमें पक्षी आते थे, भौरे गुंजार करते थे और ऐसा सुंदर वह स्थान उसने देखा। और वो सब देखने के बाद उसको लगा कि शायद मेरे लिए ये काम आ सकता है। पहले नगरी का वर्णन कर दिया, ये नगरी जब उसको दिखी और वहाँ का चारों तरफ का जब देखा तो उस समय एकदम टिपिकल हिंदी फिल्म। उसके बाद कहते हैं यदृच्छया आगतम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम। यदृच्छया बिना किसी कारण से, जैसे हिंदी सिनेमा में फटाक से हीरोइन आ जाती है उसी प्रकार से उसको कहते हैं यदृच्छया। एकदम वहाँ एक अति सुंदर रमणीय स्त्री वहाँ आ गई और उसको जब देखा प्रमदा उत्तमाम, प्रमदा मीन्स रमणीय स्त्री, जिसको देख करके प्रमाद होता है उसको कहते हैं प्रमदा। प्रमाद माने वही गलती 25 बार होती है, यही इसमें दिखाया है। तो जब उसने देखा कि बहुत सुंदर स्त्री उसके तरफ आ रही है और उनके पास 10 सेवक थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए और प्रत्येक सेवक के साथ 100-100 उसकी पत्नियां थी, इतना बड़ा झुंड का झुंड आ रहा। और उसके साथ साथ उस नगरी को रक्षण करने वाला एक पंचशीर्षा हिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः और 5 मुखों वाला एक बहुत बड़ा सर्प था वो उसके साथ साथ चलता था ताकि वो सबका रक्षण कर सके। इस प्रकार से जब उसने देखा तो राजा ने उस लड़की को देखा तो लड़की का वर्णन बताते हैं कि वह
लड़की भी एक अच्छे पुरुष के खोज में थी ताकि वो भी विवाह कर सके। जो भी बगीचे में जाते हैं ना, इसी कारण से जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मुझे इकोलॉजिकल कंसर्न है, इकोलॉजी कुछ नहीं होता। ये वहाँ चली गई देखने की कोई अच्छा लड़का आदमी मिल जाए, श्रेष्ठ राजा इत्यादि मिल जाए तो शादी कर ले। और फिर उसका वर्णन, सुनासाम सुदतीम बालाम सुकपोलाम वराननम, बहुत सुंदर उसका नाक था, उसके दांत बड़े सुंदर थे और वो छोटी उम्र की थी। सुकपोलाम उसके गाल बड़े अच्छे थे, वराननाम और उसका मुख बहुत ही सुंदर था। उसी प्रकार उसके कानों में अच्छे अच्छे कुंडल लटके हुए थे और उसका जो रंग था सांवला रंग था। हमारे शास्त्रों में स्त्री का या पुरुष के सौंदर्य का जो वर्णन आता है उसमें सांवले रंग को सौंदर्यता का प्रतीक माना है। जो एकदम व्हाइट वॉश जैसे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना, तो उनको सुंदरता के उसमें स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण का जब वर्णन आता है, कल्पना करो भगवान कृष्ण जीसस के जैसे गोरे गोरे है, मजा ही नहीं आएगा। तो जो सौंदर्य का वर्णन है शास्त्रों के अनुसार ऐसा है। तो उसका अच्छा सांवला रंग था और उसका कड़ी प्रति सुंदर था और वो पीले रंग की साड़ी पहनी थी, सोने का करधनी माने यहाँ जो रस्सी होती है वो पहनी हुई थी और अपने पैरों में नूपुरों की झनकार करके वो वहाँ से जहाँ से जा रही थी। और जब उस प्रकार से उसके शारीरिक सौंदर्य को, उसकी चाल को, उसको गजगामिनी कहा है, कहते हैं वस्त्रांतेन निगूयंती व्रीडया गजगामिनी, वो हमेशा अपने आप को ठीक से करते हुए मटकते हुए चलती थी अपने देह को छुपाने के लिए साड़ी में, ऐसे जा रही थी। और ये सब जब देखा, तामाह ललितम वीरहा सव्रीड स्मित शोभनाम स्निग्ध पाने न अपुंखे न पुष्टहा प्रेमोद्भव भ्रुआ, कहते हैं जब उसकी वो सुंदर चाल देखी, उसकी मटकती हुई आंखें देखी और उससे घायल हो गया यह राजा और उस स्त्री से बड़ा प्यार से, लज्जा से, शर्म से मारे उससे बोलने लग गया। क्या कहने लग गया, हम देखो हिंदी सिनेमा के डायलॉग, का त्वम कंच कंजपला साक्षी कस्या सिंह उदस्सती, हे कमल नयन लोचने, अभी हिंदी सिनेमा का डायलॉग हो गया तो, हे कमल दल लोचने तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस जंगल में यहाँ ऑड टाइम पर क्या कर रही हो, उसके बाद तुम इस पुरी के पास आ गई हो जंगल में, तो इस पुरी से तुम्हारा कोई संबंध है क्या और तुम्हारे साथ यह जो 11वां व्यक्ति है 10 शूरों के साथ, ये कौन है, ये तुम्हारी सहेलियाँ कौन है और तुम्हारे साथ साथ जो सर्प चल रहा है ये कौन है। तुम तो साक्षात लज्जा देवी रखती हो कि उमा हो, रमा हो या ब्रह्माणी हो। इस वन में जहाँ मुनियों का एकांत वास करते हैं, यहाँ क्या तुम अपने पतियों पति की खोज करने के लिए आई हो और इसलिए तुम अपनी कामना पूर्ण करना चाहती हो उनके चरण छू करके, क्या तुम साक्षात कमला देवी हो, ये तुम्हारे हाथ का कमल कहाँ गिर गया। लेकिन तुम तो इनमें से कोई भी हो नहीं सकती, क्यों कि तुम्हारे जो पैर है पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, ये महत्व की बात। तुम यदि ब्रह्माणी होती, उमा होती या लक्ष्मी होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारे पैर जो है पृथ्वी पर उसका चिन्ह आ रहा है, इसीलिए इनमें से तुम कोई भी नहीं हो। और फिर कहती है यदि तुम मानव ही हो तो जैसे लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का वरण करके अपने आप को कृतकृत्य कर लिया, उसी प्रकार से तुम मेरे साथ विवाह करके इस पुरी को अलंकृत करो और देखो मैं बड़ा अच्छा हूँ, वीर हूँ, पराक्रमी हूँ और तुम्हारे इस आँखों ने, तुम्हारी इस नज़र ने, कटाक्षों ने मुझे एकदम घायल जैसा कर दिया है। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार से उसने फिर उसके सौंदर्य का बड़ा वर्णन किया। इतना सब वर्णन होने के बाद फिर वो स्त्री जो थी बड़ी शर्म के मारे अपने मुंह को छुपा रही थी
ऐसा नारद जी कहानी बता रहे। फिर नारद जी कहते देखो उसके बाद क्या हुआ कि राजा पुरंजन ने ऐसी जब याचना करी, इत्थम पुरंजनम नारी याचमानम अधीरवत, याचना करी अधीरवत, उसको अब ऐसे लग रहा था कि एक क्षण में शादी हो जाए और अधीर होकर के उन्होंने याचना करी। और अभन अभ्यनंदततम वीरम हसंती वीर मोहिता, उस समय उसने वो जो लड़की थी उसने भी बड़ा प्यार से राजा के तरफ देख के हंसी और कह दिया कि राजन आपने जो प्रपोजल दिया है वो हमें स्वीकृत है। अभी वहाँ गब्बर सिंह नहीं आया, बाद में आएगा। तो इस प्रकार से वो भी मोहित हो गई और कहने लगी कि न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नामथ यत्कृतम। अब वो अपने बारे में बताती है, ये जे एक एक जो विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं इसके जब ध्यान रखना, इसका जब सूक्ष्म अर्थ देखेंगे तब पता चलेगा। कहती है न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ, आप हमको पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम बताएं आपको, हमारे माँ बाप का पता नहीं, ये मत पूछना तुम्हारा गोत्र कहाँ है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कुछ पता नहीं। तो न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नामच यत्कृतम, तो हमारे माँ बाप कौन है, उनका गोत्र क्या है, उनके नाम धाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये हम कुछ भी नहीं जानते। और ये इतना ही हम जानते हैं, इह अद्य संतम आत्मानम विदाम न तथा परम, हम इतना ही जानते हैं कि आज हम इस समय इस पुरी के बाहर में इसके नज़दीक में आकर के खड़े हैं और इससे ज़्यादा हमको कुछ मालूम नहीं, ज़्यादा पूरी हमारी कुंडली लिखने का प्रयत्न मत करो। और येने यम निर्मिता वीर पुरी शरणम आत्मना, और ये भी नहीं जानते कि ये पुरी जो है, ये नगर जो है, ये किसने बनाया है, इसके बारे में भी हमको कुछ मालूम नहीं है और ये रहने के लिए है, इतना हमको मालूम है, हम यहाँ पहुँच गए। और तुमने पूछा था कि ये सखियाँ कौन है, एते सखा ये सख्यो में नरा नार्यश्च मानद, ये जितने भी स्त्री पुरुष हैं मेरे साथ ये मेरी सब सहेलियाँ हैं, और जब हम सो जाते हैं सुप्तायाम मई जागरती नागोयम पालयन पुरी, और ये पांच फण वाला जो नाग है उसके बारे में तुमने पूछा है, वो है कि जब मैं सो जाती हूँ और पूरी पूरी जो है पूरा का पूरा जो नगर है जब सो जाता है तब ये नाग अकेला जगता रहता है, और अकेला जग करके पूरे इस पूरी का शहर का जो प्रोटेक्शन करता है संरक्षण करते रहता है। उसके बाद इतना कहने के बाद फिर वो अपने बारे में बोलना शुरू करती है कि देखो दृष्ट्या अगतोसि भद्रम ते ग्राम्यान कामान अभिप्सिसे उद्वहिष्यामि तांस्तेहं स्वबंधु भी इरंदमम इमाम त्वम अधिष्ठितस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान गृह्णान कामो भोगान शतम समाहा। हे प्रभु, हम आपको स्वीकार करते हैं और इस पुरी में आप रहो और आपका मंगल हो, और आप जैसे जैसे भोग चाहते हो सभी के सभी भोग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मेरे जितने इतने नौकर चाकर हैं चारों तरफ, तो आप भोग का नाम ले लो, भोग आपके पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से यह इस नवद्वार वाले पुरी में आप हमारे साथ 100 साल तक जियो, तो काम भोगाम शतन समाहा, अनेक प्रकार के भोग करके इसमें आप 100 साल तक निवास कीजिए। कम नु त्वदन्यम रमये ही अरतिद्म अकोविदम, आपको छोड़ करके कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने को समर्पित कर सकता है, माने कि आप ही सबसे श्रेष्ठ है और आप कौन है कि सभी चीज़ों को जानते हैं, रति सुख को जानते हैं, भोगों को जानते हैं, परलोक का विचार करते हैं, और जो इनको नहीं जानती वो तो सब पशु तुल्य है, क्योंकि जीवन में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है तो गृहस्थाश्रम है। अब देखो यह गृहस्थी लोगों का विचार, धर्मो यत्रार्थ कामो च प्रजानंदो अमृतम यशः
लोका विषो का विरजा या न केवल इनो विदुहु। ये जो बाबा जी लोग हैं मोक्ष यश स्वर्ग सभी की प्राप्ति हो सकती है, और जिन्होंने इस संसार को गृहस्थाश्रम को त्याग करके बाबा जी बन गए उनको क्या मालूम है संसारी का कितना आनंद है। और इसी रह करके गृहस्थाश्रम में रह करके हम देव पितर ऋषि मुनि स्थान है उनके द्वारा हमने सुना है, सभी के सभी जितने भी बड़े बड़े साधु संत हो गए वो यही बताते हैं कि देखो संसार में रह करके गृहस्थाश्रम में रह कर ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये बाबा जी लोग गलत बता रहे। इस प्रकार से आपके जैसे उदार चित्त श्रेष्ठ पति का मैं वर्णन ना करूँ ये कैसे होगा, और इसीलिए हम आप दोनों विवाह करके रहेंगे। नारद वाच इति तौ दंपति तत्र समुद्र समयम मिथः ताम प्रविश्य पुरीदाजम उददाते शतम समा। इस प्रकार दोनों ने स्त्री पुरुष ने इस पुरंजन राजा ने और उसकी पत्नी है पुरंजनी उन्होंने एक दूसरे के बात का समर्थन किया और 100 साल तक उस पुरी में जा कर के उन्होंने अपना जीवन जिया। अब इसमें देखो एक बात थोड़ी ऑफ द टॉपिक है लेकिन गृहस्थियों के लिए महत्व की है, ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि कई जगह में ऐसे चक्कर होते हैं। कौन सी बात है, आजकल के जो यह आजकल की बात ने हमेशा की है लेकिन आजकल इसका प्रभाव ज़्यादा है। ये जो शादियाँ होती है विशेष करके प्रेम विवाह, जब तक के ये लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब तक के इनकी उम्र हो जाती है 28, 29, 30 साल, और उस साल की उम्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक व्यक्ति फिर लड़की हो या लड़का हो उसका अपना व्यक्तित्व बड़ा कठोर हो जाता है, और वो केवल अपने व्यक्तित्व को चलाने के लिए दूसरों को अपनी उंगली पर नाचने का सोचते हैं। लड़का होगा तो लड़की को नचाना चाहेगा, लड़की होगी तो लड़के को नचाना चाहेगी, और दोनों एक दूसरे को नाचना नचाना चाहते हैं और ये कभी हो नहीं सकता। देखो विवाह या गृहस्थाश्रम में रह करके यदि अपने त्याग की भावना का महात्म्य ना रहे कि हम दूसरे के लिए कितना त्याग कर सकते हैं, यदि ये ना रहे तो वो विवाह कभी भी नहीं टिक सकता। अभी हम गए थे अपने गुजरात, उसके बाद गए थे हम केरला, कहीं भी चले जाओ आ करके यही चक्कर, अच्छे अच्छे लड़के लड़कियाँ हार्डली शादी हो गई, 2-4 महीने हो गए, 2-4 साल हो गए, और छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा झगड़ा झगड़ा। कारण क्या है, एक दूसरे के प्रति केवल भोग की भावना है, योग की भावना नहीं है। जो गृहस्थाश्रम है वो भोग प्रधान नहीं होना चाहिए, वो योग प्रधान होना चाहिए, और जहाँ जीवन में भोग का प्राधान्य आ गया उसमें मैं भोग करने वाला हूँ, बाकी वस्तु व्यक्ति भोग्य है, और ये जहाँ हो जाता है वहाँ झगड़े निरंतर बने रहे। तो यहाँ जो ये दो थे पुरंजन और पुरंजनी, उनका क्या सौंदर्य था, उनका सौंदर्य ये था दोनों मटेरियलिस्ट थे। देखो महत्व की बात है, दोनों जो थे लड़का लड़की दोनों भी जगत में भोग करने में ही विश्वास रखते थे, और इसीलिए किसी प्रकार का एक दूसरे से झगड़ा नहीं। या तो दूसरी एक्सट्रीम हो, दोनों आध्यात्मिक होवे, लेकिन नॉर्मली क्या हो जाता है कि लड़का यदि आध्यात्मिक होगा तो लड़की बहिर्मुखी होगी, और लड़का यदि अंतर्मुखी होगा तो लड़की बहिर्मुखी, और लड़की अंतर्मुखी होगी तो लड़का बहिर्मुखी, और फिर एक चीज को लेकर के पूरे जिंदगी में झगड़े ही झगड़े चलते हैं। इससे निकलने के लिए एक तरीका हम आपको बताएं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और यदि आपका पार्टनर आध्यात्मिक नहीं है
तो अपनी आध्यात्मिक साधना ऐसी करनी चाहिए कि किसी को पता ना चले, एकदम सूक्ष्म अपने हृदय में किसी को पता ना चले। एक इसके बारे में आपको बात बता दें, एक लड़की थी, अब उसका डाइवोर्स हो गया है, बड़ी दुखी थी और उसको फंसाया गया था किसी ने धमकी दे करके, तुम्हारे माँ बाप कैसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मैं ऐसी शादी तुमको करनी पड़ेगी। और बेचारी शादी भोली लड़की थी, शादी कर ली और उसके बाद पता नहीं उसको कैसे पता चला, हमारे पास पहुँच गई और फिर उसने सब कहानी बताई। तो हमने कहा देखो आध्यात्मिक को मारो गोली, पहले तुम ये देखो कि अपने आप का बचाव करके रखो, जब तुम बचोगी तब जाकर के आगे सब कुछ होगा। और ये बचाव ऐसा करना है कि विरोध मत करना, ना तो अपने सास का विरोध करना ना पति का विरोध करना। और तुमको इससे डाइवोर्स जरूर मिलेगा, बोले हम जो देता नहीं बहुत परेशान कर रहा है, हमने कहा ना मिलेगा, मिलेगा जरूर। और फिर उसको एक साल के बाद डाइवोर्स मिल गया। हमने कहा आप देखो झगड़ा मत करना, शांति से निकल जाना, कुछ मत लेना वहाँ से, कहीं नौकरी करके वहाँ अपने आप को एक दो साल तक मन को शांत कर लेना। देखो ये दुनिया में जो रहना है ना, अपने को बचा के रखना बाबा। यदि हम अपने बचाने का स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे तो जगत में हमको कोई नहीं बचा सकता। जितने भी रिश्ते नाते होते हैं ना, वो हमारा बचाव नहीं करेंगे। बचाव करेगा तो केवल अपना परमात्मा स्वरूप और अपना उसके प्रति समर्पण, ऐसा करके जीवन को चलाओ। अच्छा महाराज, अब ये जो पुरंजन पुरंजनी थे, दोनों भी भोग प्रधान प्रवृत्ति वाले, और इसीलिए वहाँ बहुत बढ़िया उन्होंने अपना भोगात्मक जीवन प्रारंभ कर दिया। और उस भोगात्मक जीवन के बारे में बताते हैं कि यह जो पुरंजन का जो नगर था जहाँ वो राजा बन करके रहने लग गया, अब वो नगर कैसा था और उसमें वो पुरंजन कैसा भोग करता था, तो कहते हैं कि जब वहाँ गर्मी का सीजन होता है तो ये अनेक जलाशय में जा करके सभी स्त्रियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करता था। और ये जो नगर था इसके 9 दरवाजे जो थे, 7 दरवाजे ऊपर थे, 2 नीचे थे। और उस नगर का जो राजा था वो इन भिन्न भिन्न दरवाजों से जगत में घूम करके भोग प्राप्त करके वापस आता था। और इसमें जो 5 दरवाजे थे वो पूर्व की तरफ, 1 दक्षिण की तरफ, 2 एक उत्तर की तरफ, 2 पश्चिम की ओर, इस प्रकार से इस नगरी के 9 दरवाजे थे। और जो पूर्व की ओर दरवाजा था उसका नाम था खद्योता और आविर्मुखी, ये 2 दरवाजे एक ही जगह में बनाए थे। और राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ इस विभ्राजक नामक देश को जाया करता था। तो जो पूर्व देश का दिशा के जो 2 दरवाजे थे 7-7 थे, और उसमें से राजा घूमने जाता था, और जिस देश में घूमने जाता था उस देश का नाम था विभ्राजित, और उसका मित्र जिसके साथ जाता था उसका नाम था द्युमान। इस प्रकार से दूसरे दरवाजे थे जिसका नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार थे, और वो भी एक ही जगह बनाए हुए थे। और वह अवधूत नाम के उसके मित्र के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। तो 2-2, 4 दरवाजे हो गए। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का 5वां दरवाजा था, उसमें वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुदन और आपण नाम के देश को जाता था। आगे कहते हैं इसी पुरी के जो दक्षिण की ओर दरवाजा था उसका नाम था पितृहु, और उसमें से राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। और उत्तर में जो दरवाजा था उसका भी नाम देवहु था, और वह भी श्रुतधर उसी मित्र के साथ उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, और उसमें दुर्दम के साथ ग्रामक नाम के देश को जाता था, और निरुति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था वो लुब्धक के साथ वैशस नाम के देश को जाता था। और इस नगरी में 2 अंधे लोग रहते थे नगरवासी, और एक का नाम था निर्वाक और दूसरे का नाम था पेशस्कृत। और ये 2 जो अंधे नागरिक थे, ये अंधे होने के बाद भी यह राजा पुरंजन उन्हीं की सहायता से इन 9 दरवाजे से भिन्न भिन्न स्थानों पर भोग के लिए जाता था। इन 9 दरवाजों का बड़ा महत्व है।
और कभी कभी जब वो नौ दरवाजे से घूम घाम के थक के वापस आ गया, अब उसको बाहर जाने को मन नहीं कर रहा, फिर क्या करता, उसका जो दूसरा एक सेवक था विशुचिन, उसके साथ वो अंतपुर में अपने शहर के पहुंच जाता और वहाँ उसकी स्त्री पुत्र और उससे होने वाला मोह प्रसन्नता, इसका सब उसको अनुभव हो जाता था। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्मों में फंसा हुआ और स्त्री के प्रति काम विवश होने के कारण वो एकदम पागल के जैसा उस पत्नी के प्रति रहने लग गया। और कैसे कहता करता रहता था वो, जब वो मद्यपान करती, 57वां श्लोक है, काचित पिबंत्याम पिबती मदिराम मदभिभदा, कभी उसकी पत्नी मद्यपान करती है और बहुत उसको मद्यपान का मजा आता है, तो ये भी उसके साथ जा करके बैठता है कि चलो आई विल ऑल्सो ज्वाइन विथ यू, और उसके साथ लेकर के उसने भी मद्यपान करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो भोजन करने को बैठती तो ये भी सोचता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, और जब वो चबाती तो ये भी चबाने लगता, और जब वो हंसती तो ये भी हंसने लगता, जब वो रोती तो ये भी रोने लगता, जब वो दौड़ती तो ये दौड़ने लगता, जब वो बोलती तो ये बोलने लगता। इस प्रकार से जो जो वो करेगी उसी का नाटक ये करता, क्यों कि मेरा तुमसे बहुत प्यार है। इस प्रकार से उसने देखा तो इसने देखा, उसने सूंघा तो इसने सूंघा, उसने पकड़ा तो इसने पकड़ा, वो चलने लगी तो ये चलने लग गया, वो नाचने लगे तो ये नाचने लग गया, वो बैठ गई तो ये बैठ गया, एकदम बंदर के जैसा वो उसके पीछे घूमता था। इस प्रकार से जब कभी वो दुखी हो गई तो ये अपने को दुखी मानता, वो प्रसन्न हो गई तो अपने को प्रसन्न मानता। इस प्रकार से ये राजा पुरंजन अपने रानी पुरंजनी के साथ ऐसा ठगा गया कि जैसे यहाँ उन्होंने किया है, क्लैव्य क्लैव्यात क्रीड़ा मृगो यथा, वो इतना हो गया कि जैसे क्रीड़ा मृग माने नचाया हुआ बंदर, जैसे वो बंदर नचाने वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा कभी खेल, हमको बचपन में बड़ा शौक था ये बंदरों का खेल देखने का, और जो बंदर बंदरी जो होती है उनके नाम होते हैं, जो बंदर है मिस्टर बंदर उसका नाम होता है गंगाराम, और जो बंदरियाँ होती उसका नाम होता है रूपवती, तो वो अपना डमरू बजाएगा, गंगाराम गंगाराम रूपमती से शादी करोगे, तो एकदम डंडा डाल करके नाचता, हाँ करूँगा करूँगा करूँगा, और फिर वो डमरू बजा के कहता है रूपमती गंगाराम से शादी करोगे, है और चली जाती। तो इसी प्रकार से ये पुरंजन पुरंजनी का जीवन चल रहा था। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ 25वां अध्याय पूरा हो गया, इसमें जो जो बातें हमने एम्फसाइज देके बताई उसको ध्यान में रखना, दरवाजे कौन से थे, कौन से दरवाजे से किस मित्र के साथ किस देश में राजा घूमने जाता था, आप सबके पास पुस्तक है, घर जाके होमवर्क किया करो। अच्छा, उसके बाद इस स एकदा महेश्वासो रथम अश्व पंचाश्वम आशुर शुगम द्वीपम द्विचक्रम एकाक्षम त्रिवेणु पंच बंधुरम। एक बार यह जो राजा था उसने अपना बहुत बढ़िया धनुष लिया, तर्कस लिया, और 11वें सेनापति के साथ जिसके 5 घोड़े थे ऐसे रथ में बैठ करके पंचप्रस्थ नाम के वन को गया, और उस रथ का वर्णन है, रथ कैसा था, इसमें 2 ईशादंड थे, 2 चक्के थे, 1 धुरी थी, और ईशादंड माने जो सामने ऐसे लगाते जहाँ जानवर को जोड़ते हैं उसको कहते हैं ईशादंड। उसके बाद 3 ध्वज दंड थे, 5 डोरियाँ थी लगाम, और 1 सारथी था, और 1 बैठने का स्थान, 2 जुए थे, 5 आयुध, 7 आवरण। इस प्रकार से यह 5 प्रकार से चालों से चलने वाला रथ था। ये वर्णन कठोपनिषद में भी आता है लेकिन वहाँ भिन्न प्रकार से। उसके बाद यह राजा भले अपने पत्नी के प्रति इतना समर्पित था लेकिन उस समय उसको पता नहीं क्या हो गया, उसके दिमाग पर यह जंगल में जाकर के शिकार खेलने का भूत सवार हो गया, और इसीलिए उसने अपने पत्नी को घर में ही छोड़ करके जब वो जंगल में गया और शिकार खेलने लग गया। यहाँ बताते हैं एक बड़ी सुंदर बात, आसुरी मृत्युम आश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह न्यहनन निशत ये बाणे ही वनेशु वन गोचरान,
एक बार व्यक्ति में आसुरी वृत्ति जागृत हो गई, आसुरी व्यक्ति माने वृत्ति माने दूसरों को कष्ट हो रहे हो इसका ध्यान न रखते हुए अपनी ही मस्ती में रहने का जिसका स्वभाव है उसको कहते हैं असुर स्वभाव का व्यक्ति। तो आसुरी व्यक्ति जा होने के कारण उसे हृदय से दया दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त हो गया और वो जाकर के निर्दोष जंगली जानवरों का वध करने लग गया। और इस प्रकार से यह अत्यंत उच्चृंखल होकर के वहाँ जंगल में पशुओं की हत्या करने लग गया। यहाँ नारद जी एक दो महत्व की बात बताते हैं, मनुष्य के पशु वृत्ति का नियंत्रण करने के लिए और उसको नियंत्रण में रखने के लिए हमारा गृहस्थाश्रम है। देखो गृहस्थाश्रम का अर्थ क्या है, आदमी को खाने का शौक है तो खाओ कोई बात नहीं, लेकिन यदि केवल खाने के ही पीछे पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे तो हमने अपने मनुष्य जन्म का नाश कर लिया है। इसीलिए खाने के लिए गृहस्थाश्रम में यदि रहेंगे और यदि वो जो पत्नी है घर में खाना बनाने वाली हो तो की बात है, नहीं तो चलो खाना खाना है बड़ी भूख लगी चलो जाते आज उस होटल में जाएंगे, अरे माँ बाप कहीं घर में तो बनाया करो खाना। तो यदि किसी ने नियम ले लिया घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाया हुआ खाना खाएंगे, तो भोग होगा लेकिन नियंत्रित होगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी भोग का महात्म्य स्वाभाविकता से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यदि गृहस्थाश्रम के नियमों से चलेंगे तो भोग में जाने के बाद भी अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, अपने भोगों को नियंत्रित रखने के लिए ही यह गृहस्थाश्रम का विधान है, नहीं तो हमारा जीवन पशुतुल्य होगा जैसे ओवर डेवलप कंट्रीज में है। अच्छा महाराज, तो जब व्यक्ति ये बात समझता नहीं अपने ही इस कर्मों में अच्छे बुरे कर्मों में फंस जाता है तो उसके साथ वो कर्मों के बंधन में आकर के इसी संसार चक्र में फंस करके अपने बुद्धि का विवेक का नाश कर लिया और फिर पुनरपि जननम इस चक्कर में फंसा रह जाता है। इसीलिए यह जो गृहस्थाश्रम में है इसका तात्पर्य हम सबको समझना है। उसके बाद यह जो जीवों का संहार कर रहे थे राजा अनेक प्रकार के बाणों से, उसमें किसको किसको मारा कहते हैं शशान वराहान महिषान गवयान रुरुशल्यकान मेधानी अन्याश्च विविधान विनिघ्नन श्रमम अध्यगान, उसने अनेक प्रकार के जानवरों का संहार किया जिसमें खरगोश है सूअर है भैंस नीलगाय कृष्ण मृग शाही और अनेक जो पशु है उनका वध किया और ये सब मारते मारते बहुत थक गए और थकने के बाद फिर अपने ततो क्षुत्रुट परिश्रांतः निवृत्तो गृहम ए जीवान, तो वहाँ थकने के बाद भूख प्यास लग गई तो फिर अपने राजभवन में आ गया और उसने फिर वहाँ अच्छी तरह से स्नान भी किया खाना भी ना खाया और खाना खाने के बाद उसकी थकान दूर हो गई और फिर बढ़िया बढ़िया सभी प्रकार के सुगंध को शरीर में लगा करके आभूषण पहने और फिर उसको अपने पत्नी की याद आई और वो उस समय अपने पत्नी के प्रति काम भावना से उत्पन्न होकर के जब जाने लगा तो देखा उसको पत्नी उसको कहीं मिली ही नहीं, पत्नी गायब स्ट्राइक पर चली गई। और जब उसने देखा कि पत्नी कहाँ गई तो प्राचीन बर ही राजा को बताते हैं कि उस पुरंजन ने उसमें रहने वाली जो बाकी दासियाँ थी स्त्रियाँ थी उनसे पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी कहाँ गई, कुशल तो है ना, क्योंकि यदि कोई घर हो और उस घर में संपत्ति सुहानी तब लगती है जब घर की जो लक्ष्मी है स्त्री है वो प्रसन्न हो तब, ये हम सबको समझने की बात है। देखो हमारे शास्त्रों में जब पत्नी और पति इनका संबंध होता है तो उस समय जब शादी में संबंध प्रस्तावित करने के लिए जब उनका मंत्र बोले जाते हैं उसमें कहा जाता है कि मेरी लक्ष्मी रूप कन्या हे विष्णु वर रूप तुमको मैं प्रदान कर रहा हूँ,
तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो है लक्ष्मी और नारायण के रिश्ते के अनुसार। और आप देखेंगे नारायण भगवान ने कभी भी लक्ष्मी का अनादर नहीं किया। जिस घर में पत्नी का या स्त्री का अनादर होता है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जिस घर में पत्नी का या स्त्री का अनादर होता है उस घर में शांति कभी नहीं रह सकती। यही बात यहाँ कहते हैं कि आज हमारे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि घर की माता बच्चों को ना देख रही हो और पत्नी पति को देख नहीं रही हो तो ये घर कैसा है, बिना पहिए के रथ के जैसा, और ऐसा घर में कौन रहना पसंद करेगा। इसलिए पता नहीं कहाँ चली गई, देखिए तो सभी रामा हाँ ऊँचू हूँ, तो सभी के सभी स्त्रियों ने उनको कहा नरनाथ न जानामी तू अब त्वत प्रिया यद्य वस्यति। हे राजन, हम नहीं जानते कि आपकी पत्नी को क्या हो गया है। देखो भूतले निरवस्तारे शयाना पश्य शत्रुहन। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, देखो आपकी जो पत्नी है जमीन पर लेटी हुई है, ना तो उसने कपड़े पहने हैं ना तो उसने बिस्तर लिया है और बड़ी दुखी होके पड़ी हुई है, देखो। और जब नारद जी बताते हैं पुरंजना स्वमहिषीम निरीक्ष अवधुताम भुवि तत्संगमा मति तज्ञान वैक्लव्यम परमम यो। और उस समय जब उस पुरंजन ने देखा, क्योंकि उसका मन तो पहले ही बिगड़ चुका था और उसका विवेक भी नष्ट हो चुका था, इसलिए उसने अपने रानी को जब देखा इस प्रकार से व्याकुल होते हुए, तो उसको अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वचनों द्वारा उसको मनाया। उसके पहले कैसे उसको मनाया, देखो पहले उसने उसके पैर को छुआ। जो पत्नी उसकी जमीन पर लेट पेट रही थी, पहले पैर को छुआ और फिर उसको उठा करके अपने गोद में रखा और फिर बड़ा प्यार से पुरंजन अपने पत्नी पुरंजनी से कहने लग गया। पुरंजन उवाच, और देखो ये विचार कैसे विचित्र है, व्यक्ति जब पागल हो जाता है तब किस प्रकार से व्यवहार करता है। कहते हैं कि यदि किसी नौकर ने कुछ गुनाह किया, अपराध किया हो, और उस अपराध के लिए उसके स्वामी ने उसको डांटा नहीं, तो समझ लेना वो जो नौकर है वो अत्यंत दुर्भागी है। कहने का तात्पर्य क्या इसका, कि मेरे से गलती हो गई कि मैं वहाँ जंगल में एक शिकार खेलने चला गया और तुम तो मेरी स्वामिनी हो और मुझे डांटने के स्थान पर तुम शांत पड़ी हो, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है, इसीलिए उठो और मेरी पिटाई करो। देखो कैसा व्यक्ति जब गुलाम बन जाता है, इसीलिए उसको यदि अपना समझ करके दंड ना दो तो वो तो बड़ा अभागी है, और इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की बातें बताता है। आप लोगों को मालूम है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद तुम्हारा ये जो मुख है आज एकदम उदास है, मुरझाया है, गुस्से के कारण तुम्हारा जो चेहरे पर जो चमक थी वो भी चली गई है, और इस प्रकार से तुम मेरे शिकार जाने के कारण जो दुखी हो गई हो, तो आप मुझे अपना पर समझ करके मुझे स्वीकार कर लो, प्रसन्न हो जाओ, और अब मैं कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम नाराज मत होना। ये जो प्रसंग है इसका तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से इस पुरंजन के जीवन में कभी बाहर जाकर के भटकना, कभी घर में जाकर के अपने बच्चे पति पत्नी उनके सुख दुख में रहना, कभी अपने पत्नी को मनाना, कभी राज्य कारभार देखना, इसी प्रकार से इसका जीवन धीरे 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 चल रहा था। ये हमारे सबकी कहानी। और फिर एक दिन की बात है, यहाँ से 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। नारद उवाच इत्थम पुरंजनम सम्यक वशमानीय विभ्रमैहि पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। इस प्रकार से इस पुरंजन ने अनेक प्रकार से मना मना करके अपनी पत्नी पुरंजनी को बड़ा समझाया,
और ये समझाते समझाते उसको ये लगा, तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, उसको ये लगा कि मैंने अपने पत्नी को वश में कर लिया है, लेकिन असल में क्या बात हो गई थी, उस पत्नी ने उसको अपने वश में कर लिया था। इस प्रकार से ये उसने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, और फिर वो भी अपना नहा धो करके फिर ठीक साज सजा हो करके और फिर उसने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया और दोनों का आलिंगन इत्यादि समझना ये सब बात हो गई, और फिर वो इस पत्नी के मोह में फिर फंस गया। इस प्रकार से यह हमेशा पूरा जीवन इसी में उसने बिताया। कब तक के पत्नी को मनाते रहोगे, कब तक के पति को मनाते रहोगे, कब तक बच्चों को मनाते रहोगे, कब तक दुनिया की दारी करोगे, दुनिया में कुछ और है कि नहीं, ये बात यहाँ कहते हैं कि शयान उन्नत मदो महामना महा महारहत अल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परम यतः तमो अभिभूता न निजम परम चयत। वो हमेशा इस अपने प्रिया की भुजा पर सोता था और ऐसा करता करते उसने अपने जीवन का जो कल्याण है जिस कारण होता है उस परमात्मा के बारे में ना तो कभी सोचा ना तो कभी उसने ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसा करते करते तयैव रममाणस्य काम कल्मश चेतसा क्षणार्धम इव राजेन्द्र व्यतिक्रांतम नवम वयः। ऐसा करते करते उसकी जो जवानी है पूरी की पूरी केवल भोग में ही नष्ट हो गई, ये आधे क्षण के जैसी। और इसमें फिर उस पुरंजनी से इस राजा को 1100 पुत्र हो गए और 100 कन्याएं हो गई, और जो अपने माता पिता के गुण संपन्न इत्यादि बढ़ाने वाली थी। और ये जो पौरंजनी नाम से कन्याएं थी ये बड़ी विख्यात हो गई, और उतनी ही इसका इनको बड़ा करना, उनकी शादी करना, उनके बच्चे देखना, उसमें बाकी जो भाग था उसकी पुरंजन के जीवन का वो उसमें निकल गया। फिर एक बार उसने सोचा बच्चों की शादी कर दे, तो उन्होंने अपने लड़कों की शादी कर दी, लड़कियों की शादी कर दी, और उनसे भी उनको हर एक को अनेक 100-100 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार से पांचाल देश में जो पूरा पुरंजन का वंश फैल गया, और इसका ऐसा करते करते पुरंजन बूढ़ा हो गया, लेकिन अपने भोग, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चे, अंत नहीं इसका कोई, उसी में वो विषयासक्त हो करके उसी में रहने लग गया। और इसके बाद उसने जब अपने पास बड़े अनेक इच्छाएं होती हैं तो उसके लिए आदमी जब भगवान के पास भी जाएगा तो भगवान को नहीं मांगेगा, भगवान मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, भगवान को नहीं चाहिए किसी को। तो उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए जिसमें अनेक प्रकार के पशुओं की हत्या हुई, और अपने पूरे जीवन भर कुटुंब पालन में ही उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, और ऐसा करते करते वो बुढ़ापे में आके पहुंचा। ये जो बुढ़ापा आता है, ये बुढ़ापा जो भोगी व्यक्ति है उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आता सबको है। तो ऐसा आने के बाद एक बार जब राजा बूढ़ा हो गया उस नगरी का, उस राज्य का, तो वहाँ एक चंडवेग नाम का गंधर्व राज है, उसके 360 महाबलवान गंधर्व रहते थे, और वो हमेशा मिथुनी भाव से कृष्ण और शुक्ल उनकी गंधर्वी आबी थी, तो ये बारी बारी से चक्कर लगाते थे उस नगरी पर, और जितनी भोग विलास की सामग्री थी उसको लूट करके ले जाते थे। राजा बूढ़ा हो गया और उस राजा के अगल बगल में 360 पहलवानों के साथ रहने वाला एक गंधर्व था, और उन 360 पहलवानों की उतनी ही गंधर्विया थी, हमेशा दोनों साथ साथ रहती थी। वो कभी इस दरवाजे से 2-4 गंधर्व गंधर्विया लूटी घुसी, सबका सब लूट करके चली गई। इस प्रकार से जितनी भी भोग की सामग्री थी वो नगरी से लुटा के जाती थी, और इस पुरंजन का जो नगर लूटना प्रारंभ हो गया तो
ये जो वहाँ पांच फने वाला जो सर्प था वो उसको रोकना चाहता था, क्योंकि तो सर्प था पुरंजनी वाला, तो उसको जो रोकना चाहता था तो उसके ऊपर भी उसने बहुत बड़ा हमला बोल दिया। इस प्रकार से फिर जिस सर्प ने उस नगरी का 100 साल तक पालन किया था वो सर्प भी अब ये हमेशा जो उसके ऊपर में हमला बोला जाता था उसके कारण बड़ा थक गया था वो भी। और ये सब जब देखा तो राजा ने पुरंजन ने अपने आप को बलहीन देखा, अपने जितने भी काम करने वाले थे जो साथी थे वो भी बलहीन देखे, जो नगर की रक्षा करने वाला सर्प था वो भी बलहीन हो गया। और ऐसा जब राजा चिंता में पड़ा और फिर भी अपने भोगों से वो अपने आप को अलग नहीं कर सका, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्त्री के भोग में या जगत के भोग में फंसा हुआ आदमी कितना अपने आप को बर्बाद करता है। और एक दिन की बात है, काल की एक कन्या थी, काल नाम का एक राजा था, उसकी एक कन्या थी, और उस कन्या ने सोचा कि शादी कर ले, और वो शादी के लिए त्रिलोकी में भटक रही थी। और उस कन्या बड़ी दुर्भागिनी थी, उसका नाम था दुर्भगा, और इसीलिए वो शादी के लिए बड़ी भटक रही थी, लेकिन कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहा। और इसीलिए वहाँ एक कोई वर मिल जाए, इसीलिए उसने सोचा कि चलो जगत में कहीं नहीं तो पृथ्वी पर चला जाए, तो पृथ्वी पर आ गई। और जब पृथ्वी पर आ गई तो आते आते नारद जी बता रहे थे कि आने के बाद वो मुझे मिल गई, नारद जी को मिल गई वो कन्या, काल की कन्या जिसका नाम था दुर्भगा, मुझे मिली, और मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ। वो चाहती थी कि मैं उससे विवाह करूं, लेकिन मैंने उसको ना कह दिया। जब मैंने उसको ना कह दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उस काल की कन्या दुर्भगा उसने नारद जी को शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी, इसीलिए मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम एक स्थान पर कभी नहीं रहोगे, और तब से मैं भटकने लग गया हूँ, अब क्या करें, क्योंकि उस कन्या की भोग की जो बात है वो मैंने स्वीकार नहीं की, इसलिए उसने मुझे बड़ा शाप दे दिया। अब मेरे से जब वो निराशित होकर के गई तो वहाँ एक यवन राज, यवन एक जाति होती है, यवन राज के पास गई, और उसका नाम था भय। तो ये दुर्भगा नाम की काल की कन्या भय नाम के यवन राज के पास पहुंची और उसको उसने पति के रूप में वरण किया और कहा कि हे यवनों में श्रेष्ठ, मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपको पति बनाना चाहती हूं, और आपका जो संकल्प है कभी गलत नहीं होगा, इस प्रकार से मैं आपके पास आई हूं तो आपने मेरा आदर करना चाहिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए, यही बड़ों का धर्म है। ऐसी जब काल कन्या की बात सुनी यवन राज ने, तो उसने सोचा कि भगवान की कोई तुम्हें चाल है इसने, तो उसने कहा देखो मैंने योग दृष्टि से तुम्हारे लिए पति ढूंढ के रखा है, तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती, और इसीलिए तुम जा कर के उसके साथ शादी करो, और एक बात समझो, तुम स्वयं कहोगी मुझे स्वीकार करो और मुझे भी भोग करने दो तो तुम्हारे जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। तुमको पृथ्वी पर जा करके बलात्कार से अपने आप को सब पर लादना होगा, और बलात्कार से सब पर लादने के लिए जो तुमको शक्ति चाहिए, जो तुमको सपोर्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस प्रकार से वह जो काल कन्या है वो पृथ्वी लोक पर आ गई, यहाँ प्रकार से बलात्कार से इन लोगों पर हमला बोल दोगी तो कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा, और इसीलिए मेरा एक भाई है उसका नाम है प्रज्वार, वो और तुम मेरी बहन बन जाओ, जा कर के इस जगत में चले जाओ पृथ्वी लोक पर, मर्त्य लोक पर, वहाँ जा कर के मैं अपनी सेना के साथ हमेशा रहूँगा, और तुम जहाँ चाहो जिस पर चाहो बलात्कार कर लो और भोग लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार से यह काल कन्या ने
इस पृथ्वी पर कर्म के प्रदेश में एकदम हमला बोल दिया। यहाँ 27वां अध्याय पूरा होता है, अब 28वां अध्याय शुरू हो गया। इसमें यह जो पुरंजन है उसके ऊपर उस कालकन्या का आक्रमण हो गया था, तो कहते हैं यह जो भय नाम का यवन राज था उसका जो सैनिक था प्रज्वार और कालकन्या, ये सभी पृथ्वी पर प्रचार विचरण करने लगे। और उस समय वो जो बूढ़ा सांप था जो इस नगरी को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसके भी सब की सब जितने भोग की सामग्री थी वो वहाँ यह जो काल कन्या है वो उस पुरी के प्रत्येक प्रजा को भोगने लग गई। और ऐसा जब चारों तरफ से इस पुरी का विध्वंस होने लगा तो इस पुरी में रहने वाले जितने राजा के पुरंजन राजा के भाई बहन बच्चे नाते पोती थे सभी के सभी अब इस पुरंजन राजा का तिरस्कार करने लग गए। क्यों? कि काल कन्या दुर्भगा इसने इस राजा के नगरी पर जोर से हमला बोल दिया और उसके बाद यह राजा एकदम दुर्बल सा हो गया। यावत वित्तो पार्जन सकता है तावन निज परिवारो सकता है। जहां उस राजा की शक्ति क्षीण हो गई इस काल कन्या ने हमला बोलने के बाद, तो सभी के सभी उसका तिरस्कार करने लगे और उसके कारण यह पुरंजन को बड़ा दुख होने लगा। और एक दिन उस काल कन्या ने राजा पुरंजन को ही एकदम अपने बाहों में लेकर के बलात्कार किया और उसके कारण उसकी जो विवेक शक्ति थी वो नष्ट हो गई, उसकी शक्ति सभी की सभी क्षीण हो गई। और इस प्रकार से बाकी यवनों ने पूरे जो नगरी थी उसका सभी का सभी ऐश्वर्य लूट लिया। और उसके पश्चात उसकी जो पत्नी थी पुरंजनी वो उसका अनादर करने लग गई। सभी के सभी जितने उनके मंत्रीगण थे वहाँ के जितने पुरोहित थे सभी के सभी उस राजा का अपमान करने लग गए। और इस प्रकार से धीरे धीरे पांचाल देश जो था और एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया। और उसने देखा कि अब अपना यहाँ से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। और फिर काल कन्या ने उसको पूरा का पूरा निस्सार कर दिया था। और उस समय यहाँ एक विशेष बात बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पूरा का पूरा केवल अपने ही बीवी बच्चे उसी में लगा है उसका कभी भी भला नहीं होता। अपने आप को परमात्मा में मिलाना यही अपने जीवन का उद्देश्य है। और जब ये माना नहीं ये समझा नहीं तो एक दिन ऐसा आया कि ऐसे ही दुखी अवस्था में इस पुरंजन को देह का माने उस पुरी का छोड़ने का समय आ गया और उस काल कन्या ने उस पुरंजन को पूरा का पूरा कुचल दिया। और इस प्रकार से प्रज्वार उसका जो भाई है वो आया और उसने उस पुरी को आग लगा दी। और जैसे इसको आग लगा दी तो पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। अब क्या करे, अनेक प्रकार से उसने प्रयत्न किया लेकिन चारों तरफ से कालकन्या प्रज्वार और बाकी यवनों का अब आक्रमण हो रहा था। और धीरे धीरे जो सर्प कई बार रहता है बड़े पेड़ के कोटरी में, लेकिन पेड़ को आग लग जाए तो सर्प वहाँ से निकल जाता है, उसी प्रकार से ये पुरंजन उस नगरी को आग लगने से बड़ा दुख हो गया। और फिर अब उसको पश्चाताप हो रहा था कि देखो मेरा इसी के चक्कर में रहा, बुद्धिहीन हो गया और प्रेम फांस में फंस करके दुखी हो गया और अपनों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन अब मेरा कोई नहीं है और इसीलिए अब मैं परलोक जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरा इन लोगों का क्या हो गया और उनको कौन देखेगा। इस प्रकार से वो अपने जो पत्नी बच्चे हैं जो उसका तिरस्कार कर रहे थे उनकी चिंता करता रहा। इस प्रकार से यह मरते दम तक के चिंता और दुख में ही लगा रहा। यहां होने के बाद उन्होंने आगे कथा में बताते हैं कि नारद जी बताते हैं इस जगत में दुख करने के लिए कोई भी कारण सफिशिएंट नहीं है। ये जो श्लोक है बहुत अच्छा है, 22वां श्लोक है। एवं कृपणया बुद्ध्या
शोचंतम अदतर्हणम ग्रहीतुम कृतधीरेन भयनामाभ्यपद्यत। हालांकि किसी भी कारण से शोक करना उचित नहीं था, लेकिन ये राजा अज्ञान के कारण दीन बुद्धि हो गया था और अपने स्त्री पुत्र इत्यादि के कारण शोक में रहता था। और उसी समय वहाँ जो यवन राज है, भय नाम का यवन राज, वहाँ आके पड़ा और उसने इस राजा को एकदम रस्सी से बांध करके उसको खींच करके वहाँ से ले जाने लग गया। और जब वो यवनों द्वारा राजा को खींच के ले जा रहे थे तो सर्प भी उस पुरी को छोड़ करके इन सब के साथ चला गया और नगर छिन्न भिन्न हो गया और अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार से यह राजा पुरंजन बड़ा दुखी रहा, लेकिन उस समय भी उसने अपने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक के वो पुरंजन नाम का राजा इस पृथ्वी तल पर भटक रहा था, कहीं भी उसको अपने भोग के अनुसार योग्य नगर नहीं मिला। और फिर भारतवर्ष में आकर के उसको एक नगर मिला नौ द्वारों वाला, और वहाँ रहा और उसने ऐसा पूरा जीवन बर्बाद किया। और आखिर में हुआ क्या, वो भय नाम का यवन आया और उसने उसको मार करके ले गए। और यही बात होती है हम सबके जीवन की। और इसके पश्चात यह जितने पशुओं का इन्होंने हत्या करी थी, मारी थी, वो सभी के सभी पशु इत्यादि, अब जब ये पुरंजन जा कर के नरक में गया तो उसको बड़ा कष्ट मिलने लगा। अनेक सालों तक नरक में रह कर के उन जितने पशुओं को इसने मारा था वो सभी के सभी उसकी बदला ले रहे थे। और उस समय में भी उसकी अपने पत्नी में बहुत ही आसक्ति थी और उसी का चिंतन करता था। और इसीलिए अगले जन्म में यह पुरंजन राजा एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। दूसरा महत्व का सिद्धांत, मरते समय हम जो विचार लेकर के मरते हैं उसी विचार के अनुसार हमारे सूक्ष्म देह का आकार बनता है और उसी आकार को लेकर के हमारा अगला देह प्राप्त है। ध्यान से सुनना इसको, यो यो भावम स्मरम त्यजत्यन्ते कलेवरम, भगवद गीता के आठवें अध्याय में आता है। मरते समय जो हमारा अंतिम विचार होता है, स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पक्षी का, कई लोगों का होता है, कुत्तों का, तो आखिरी विचार जो होगा और उस विचार के साथ यदि हमने देह से गमन कर लिया, समझो आखिरी कुत्ते का विचार है, कुत्ते का विचार लेकर के बाहर निकले, तो विचार क्या है, अपने सूक्ष्म देह का उस कुत्ते का आकार धारण करना। और जैसे चाबी होती है केवल अपने ही ताले में फिट होती है, उसी प्रकार से ये समझो कुत्ते का आकार धारण करके देह का त्याग कर दिया है तो वो कुत्ते का आकार वाला जो सूक्ष्म देह है वो भटकते रहेगा, भटकते रहेगा। कहाँ भटकेगा, वो जहाँ आकार मिलेगा कुत्ते का उसमें जाके फिट हो गया, हाँ चाबी लग गई, अब बैठो उसमें। उसी प्रकार से यह भोगी पुरंजन स्त्री के प्रति इतना आसक्त था कि उसका जो सूक्ष्म देह था वो स्त्री के ही आकार का बन गया। और उसके बाद उसने अगले जन्म में विदर्भराज के यहाँ एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म ले लिया। और वो विदर्भ नंदिनी जब विवाह योग्य हो गई तो विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि जो सबसे श्रेष्ठ वीर होगा वही मेरे लड़की के साथ राजा शादी करेगा। और एक पांड्य नरेश थे, महाराज मलयध्वज, उन्होंने उसको जीत करके उसके साथ विवाह कर लिया। उसके बाद महाराज मलयध्वज और एक बहुत सुंदर कन्या, इन दोनों से उनको सात पुत्र पैदा हुए और जो सात देश के राजा बने गए और जो लड़की है उनके साथ रहने लगे। इस प्रकार से उनके अनेक पुत्र पौत्र होते गए और उनका भी बहुत बड़ा राज्य चलता रहा। और ये जो राजा मलयध्वज थी उसकी जो पुत्री थी बहुत ही व्रतशीला थी, उसका भी अगस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ और उसका दृढ़च्युत नाम का पुत्र और उसके भी अनेक पुत्र इत्यादि हुए। इस प्रकार से यह जो राजर्षि मलयध्वज था उसने अपने
पुत्रों में सब पृथ्वी को बांट करके भगवान की ईश्वर कृष्ण की आराधना करने के लिए बता दिया और वो स्वयं तपस्या करने के लिए मलयगिरी पर्वत पर चले गए और उन्होंने वहाँ बड़ी तपस्या करी और तपस्या करके करके जब उनका पूरा मन देह बुद्धि चित्त शुद्ध हो गया, भगवान में प्रेम जागृत हो गया, तो उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया और इस प्रकार से हमेशा के लिए शांत होकर के परब्रह्म में एक होकर के वो मिल गए। और इधर यह जो वैदर्भी थी, विदर्भ राज की कन्या वैदर्भी, उसने भी सभी भोगों का त्याग कर दिया और अपने पति जो मलयध्वज है उसके भी बड़े प्रेम से सेवा करती थी। और ऐसा करते करते अनेक दिन उठने के बाद जब उसने देखा कि अपने पति एक ही स्थान पर बैठे उठे नहीं, तो उनको हाथ लगा के देखा तो वो ठंडे हो चुके थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ और उसके बाद वो रोई धोई और उसके पश्चात वहाँ उन्होंने योग्य प्रकार से वहाँ उसका पूरा संस्कार इत्यादि कर दिया। और जब वो संस्कार करने के बाद जब वो बैठी थी वैदर्भी, अब वैदर्भी कौन है, ये पुरंजन का अगला जन्म, वो विदर्भ राज की कन्या, जब वो रो रही थी उस समय कहाँ ही कहीं से एक अननोन ब्राह्मण वहाँ पहुँच गया और उस अबला को देख करके उस ब्राह्मण ने बताना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण कहते हैं कि का त्वम कस्यासि कोवायम शयानो यस्य सोचति जानासि कि सखायम माम येनाग्ने विजयचर्थः। तुम कौन हो, किसकी लड़की हो, किसके लिए शोक कर रही हो और ये सोया हुआ पुरुष कौन है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ और हमेशा तुम और हम साथ में रहते थे, तुमको मेरी याद नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं ही तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा हूँ। और याद है जब तुम पिछले जन्म में पुरंजन के रूप में थे तो इस जगत में भोगने के लिए अनेक मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन तुमको कभी मकान मिला नहीं और जब मकान मिल गया तो तुमने मुझे छोड़ करके उस मकान में आके चले गए और फिर वहीं रहने लग गए। असल में तुम और मैं दोनों मानव सरोवर के रहने वाले हम सहे और ये तुम भूल गए और मैं तुमको कितना बताता था लेकिन तुमने कभी माना ही नहीं और तुम इस विषय भोग में आकर के इस जगत में ऐसे फंस गए। और जहाँ जो पांच बगीचे, नौ दरवाजे, एक द्वारपाल, तीन परकोट, छह वैश्यकुल, पांच बाजार और पांच उपादानों से बना हुआ ये जो शहर था उसकी एक स्वामिनी थी, उसी में तुम फंस गए। अब ये सभी जो शहर का वर्णन है उसका आध्यात्मिक अर्थ यहाँ से बताना शुरू कर। तो अभी तक हमने क्या देखा इसका एक बार सूक्ष्मता से अवलोकन कर ले। राजा प्राचीन बरही जो प्रचेताओं का पिताजी था, जब उसके बच्चे तपस्या करने चले गए तो उसमें कुछ ना कुछ कर्म कांड करने का चक्कर फंसा और उसमें उसने अनेक प्रकार के गलत कार्य किए, पशुओं की हत्या करी और उसके कारण उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं हुई। तो अपने जीवन में शांति का या कल्याण का अर्थ है दुख की निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति की प्राप्ति। ये जब नहीं मिला तो उसी समय नारद जी आए और उन्होंने ये पुरंजन का आख्यान बताया कि नारद कि हे प्राचीन बरी, तुम्हारे ही जैसा एक राजा था जो अनेक भोगों के लिए बहुत भटका और फिर उसने भारत में आकर के एक बड़ा नगर देखा जिसमें नौ दरवाजे थे, सब वर्णन बताया। वहाँ आकर के कैसे एक उद्यान था, उद्यान में एक लड़की आई, कैसे उसके मुँह में फंसा, उसके साथ शादी करी और बड़ा विस्तार बनाया। और आखिर में काल यवन की जो कन्या है उसने आकर के इस नगरी पर हमला बोल दिया और धीरे धीरे सब बिछड़ने लग गए, सभी ने इसका अपमान कर दिया और आखिर में जा करके उसको इस नगरी का त्याग करना पड़ा, नरक में गया होगा। और फिर जब दूसरा जन्म हुआ तो विदर्भ राज के यहाँ वैदर्भी कन्या के रूप में जन्म हुआ और वहाँ फिर उसकी शादी हुई और फिर वही बच्चे। अब ऐसा कब तक करते रहेंगे, ये इसका तात्पर्य। देखो भैया, इस जगत में आज तक कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे हुए, कितने डाइवोर्सेस हुए, कितने झगड़े हुए, ये अनंत काल से चल रहा है, इसमें नावीन्य कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से, जैसे है ना
जिस वस्तु को खुले आँख से देखना है, समझो आपको किसी को खुले आँख से देखना है, उसके स्थान पर यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो वहाँ गंदगी नजर आएगी। जिस किसी को जैसा देखना है वैसा ही देखना है, उसी प्रकार से इस जगत में व्यवहार करते समय उतना ही नज़दीक जाना है कि जगत का सौंदर्य बना रहे। ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो गंदगी ही गंदगी है। लेकिन हम अपने आसक्ति में फंस करके अपने ही संसार में ऐसे हो जाते हैं कि मानो यही सब कुछ है, और यही है पुरंजन की कहानी। और ये ऐसा थोड़ी एक जन्म का, आज तक कितने जन्म लिए हैं, कितने बार शादियां हुई है, कितने बार बच्चे हुए हैं, कितने बार पति, कितने बार पत्नियां, कितने बार क्या नहीं हुआ, यही अनंत काल से चल रहा है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं, जब तक हम अपने जीवन को स्थूल देह से और भिन्न और अन्य नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक के संसार के मोह से छुटकारा नहीं मिलता। ये जो जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है उसका तात्पर्य क्या है? इस देह के प्राप्ति के पूर्व हम थे, इस देह में हम है, और देह का नाश होने के बाद हम चले जाएंगे। इसलिए ना तो हमारा जन्म हुआ है ना तो हमारा मृत्यु हुआ है। और ये हमारा ही नहीं, ये प्रत्येक के साथ यही कहानी है। और जिसने इसको स्वीकार किया, समझ लिया है, वो व्यक्ति किसी के मृत्यु के कारण दुखी नहीं होगा और अपने मृत्यु का भय भी उसके जीवन में नहीं रहेगा। जिसके जीवन में मृत्यु का भय और मृत्यु के कारण होने वाला दुख समाप्त हो गया है, उसी ने अपना कल्याण कर लिया है। देखो भैया, जब तक आदमी जवान रहता है ना, खून उबलते रहता है, तब तक के मृत्यु की बात दिमाग में नहीं आती। एक बार पता चला, अपना दोस्त, हम दोनों अभी भी चाय पी रहे थे और मैं घर आया, जैसे घर आया पता चला उसका हरियम हो गया, उसके बाद आदमी के दिमाग में हो जाता है अब शायद मेरा भी नंबर आने वाला है। फिर पता लगता है मामा मर गया, फिर पता लगता है दादा मर गया, फिर पता लगता है पड़ोसी मर गया, और फिर केवल मरने की ही खबरें हमारे पास पहुँचती हैं। और जितनी मरने की खबरें आएगी उतना फिर अपने मरने का डर और तेज हो जाता है। और उसके बाद एक बार मृत्यु का भय हमारे बुद्धि में घुस गया, उसके बाद व्यक्ति केवल मृत्यु ही जीता है। ऐसा लाचार होकर के जीवन जीना, ये अपने मनुष्य जन्म का प्रयोजन नहीं है। तो कल्याण किस में है? अपना अपना कल्याण इसी में है कि अपने स्वरूप को पहचाने। जब तक कि अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, जगत में कोई भी करो आप, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, कितने भी जन्म ले लो आपको दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये हम सभी संसारियों की कहानी पुरंजन और पुरंजनी इसके माध्यम से बताई। अब इसमें नौ दरवाजे क्या है, उसके जो दोस्त है वो कौन है, जो भिन्न भिन्न देशों में राजा जाता था उसका मतलब क्या है, ये पुरंजनी पत्नी के पीछे ये राजा कैसे पागल हो गया, ये पुरंजन राजा कौन था, वहाँ पांच नागवाल मुख वाला सर्प कौन था, और ये काल यवन की कन्या कौन थी, और वो जो यवन था भय नाम का वो कौन था, ये सब का सब पूरे हमारे प्रत्येक के जीवन की कहानी है। इसका अर्थ और उसके अर्थ को समझने के बाद जीवन के अनर्थ की निवृत्ति, ये जो दो विषय है इसको हम अगले बार देखेंगे। अब यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।